एडवांस जो इस हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम कहलाता है, आपका एडवांस का एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है दोस्तों। कि मैराथन में जो जिस लेवल के क्वेश्चन थे ना, वैसे जेई एडवांस में भी नहीं थे। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत मीना है और मैं धौलपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने CLC को 9th क्लास में ज्वाइन किया था और लॉकडाउन का टाइम था, फिर 10th का रिजल्ट आया, 10th में मेरा STSC में सिलेक्शन हुआ और मेरा जो रिजल्ट आया बोर्ड का वो 98.17% था। उस टाइम पर CLC की बाकी और भी जो कोचिंग चल रही हैं उन्होंने मतलब कि प्रस्ताव दिया कि आप हमारी कोचिंग में आइए, नीट लीजिए या JEE लीजिए। तो मैंने बॉस को बताया कि ऐसा बात है, तो बॉस ने कहा कि तेरे को जिस पे विश्वास है ना तू उसी कोचिंग में जा। तो मैंने मेरे को CLC पे विश्वास था और फिर मैंने CLC में एडमिशन लिया और अब मैं कहूँगा कि जो मेरा डिसीजन था उस टाइम पे मेरा बेस्ट डिसीजन था। क्या बात है। फिर 2 साल जो मेहनत की, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जितनी भी मेहनत की है वो सभी कुछ सही था। मेरा JEE मेन के जो जनवरी अटैम्प्ट है पेपर भी मेरा सही हुआ, लेकिन जब मैंने मार्क्स मिलाए तो मेरे 11 नेगेटिव थे। मैं 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था तो मैं डिमोटिवेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद बोर्ड के दिए, बोर्ड तो ठीक हो गए, उसके बाद दोबारा से दिया अप्रैल अटैम्प्ट और वहाँ पर मेरे 12 नेगेटिव थे। तब मैं मतलब एकदम डिमोटिवेट था, वो मेरी जर्नी का लोएस्ट पॉइंट था। और मेरे जो पेरेंट्स हैं और CLC जो स्टाफ है, बॉस हैं, साहिल सर हैं, मेरे टीचर्स हैं, बस वही थे जो कि मुझे सपोर्ट किया था, उन्हीं के दम पे मतलब कि मैं कुछ कर पाया हूँ अभी। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे। और उसके बाद फिर मैंने CLC के जो कैंप है वो वापस से अटेम्प्ट किए और उसके बाद टेस्ट दिए पूरे के पूरे। और जो CLC की मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो थी मैराथन, क्योंकि मैराथन में जो जिस लेवल के क्वेश्चन थे ना, वैसे JEE एडवांस में भी नहीं थे। सभी बच्चे 45 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स है तो अगर केमिस्ट्री है तो 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ है तो 45 क्वेश्चन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन एक चैलेंज की तरह है, एक एक क्वेश्चन होता था तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। और उसके बाद फिर मैंने JEE एडवांस का पेपर दिया, एडवांस का पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। और एडवांस के पेपर के लिए मैं यही एक सलाह दूंगा कि एडवांस के पेपर में मेरा जो पॉजिटिव स्कोर है वो 228 है और मेरा टोटल स्कोर भी 228 है। एक मिनट, इसका एडवांस में कोई नेगेटिव नहीं है, 100% सही कर गया है, क्यों ये तो कहना चाहता है? यस सर, ये है मूल बात। बंदे के JEE मेन में एक बार नेगेटिव 11 हुए, 12 हुए, फिर कसम खाई कि नेगेटिव नहीं करना है। मैं धन्यवाद हूं टीम ने, कैसा शेयर प्यार किया आपने। JEE एडवांस जो इस हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम कहलाता है, आपका एडवांस का एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है दोस्तों, ये 100% कैट सोना है। प्लीज एडवांस में जो आपको पेपर करना है ना, जैसे मेरा जब पेपर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो फिजिक्स मेरी स्ट्रांग सब्जेक्ट थी, मैं फिजिक्स करने बैठा और शुरू के 4 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाया और 10 मिनट जा चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट किया, वहाँ भी 3 में से 1 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद इंटीजर सॉल्व किए तो इंटीजर भी नहीं हुए, और टोटल 40 मिनट देने के बाद मेरे 8 ही क्वेश्चन हुए थे जो कि मैं जनरली करता था, तो उससे ज़्यादा हो जाते थे। उस टाइम पर थोड़ा लगा कि ये पेपर तो जा रहा है हाथ से। फिर मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट की, केमिस्ट्री कभी मेरा ऐसा नहीं था कि केमिस्ट्री मेरे एकदम स्ट्रांग है और केमिस्ट्री को लेकर मैं पेपर में जाऊंगा, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आए हैं। याद है JEE वालों, मैं अक्सर कहता हूँ जैसे नीट में दोस्त बायोलॉजी होती है वैसे JEE में दोस्त है केमिस्ट्री होती है, आज ये बात साबित भी हो गई। फिर मैंने केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि केमिस्ट्री इस साल ईजी आई है। और फिर मैंने केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मेरा केमिस्ट्री का सही गया है तो अब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने मैथ देखी, मैथ में 4 क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर मैं वापस से फिजिक्स पे आ गया। फिजिक्स में जब मैंने क्वेश्चन किए तो फिर मेरे काफ़ी ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने मैथ का पेपर दिया और मेरा पेपर 1 काफ़ी अच्छा गया। फिर उसके बाद मैंने पेपर 2 दिया, पेपर 2 से पहले थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि पेपर 1 तो सही हो गया, पेपर 2 ना बिगड़ जाए। और पेपर 2 भी दिया, पेपर 2
पेपर वन की कंपेयर में हार्ड था, पर फिर भी हो गया ये भी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिक्स के, फिजिक्स इसमें हार्ड आई थी, और एक एक क्वेश्चन भी हो रहा है तो खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो मैंने पिछले दो साल बहुत जम के मेहनत की है, मेरे को खुद भी प्राउड आ रहा था एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके। और अब मैं आपको अगर सलाह दूँ आपकी अगले साल के लिए, तो मेरी यही है कि केमिस्ट्री तो आपको अगर पढ़नी है ना, तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एकदम मस्ट बुक है। एनसीईआरटी से आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा आगे जा रहा है तो उसको मतलब छोड़ दो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आपके लक पे चल रही है आपने जो पढ़ाया। एक्स्ट्रा अगर आपने दो किताब भी पढ़ ली, ज़रूरी नहीं है उनमें से एक भी क्वेश्चन आए, इस साल आया था वो मैंने देखते ही छोड़ दिया, उस पर टाइम वेस्ट करना ही क्यों, या फिर उसको सॉल्व ही नहीं करना है। और ऑर्गेनिक में ये है कि ऑर्गेनिक आप जब भी पढ़ें डे वन से आपको कॉपी रिवाइज करनी है, एक तीनों सब्जेक्ट की रिवाइज करनी है आपको, एक भी दिन ऐसा छोड़ना नहीं है कि कॉपी रिवाइज नहीं की। अगर आप दूसरे दिन आ रहे हो तो आपने जो पिछले दिन पढ़ा था ना वो आपको याद होना चाहिए पूरी की पूरी चीज़, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट है तो आपको अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली ऑर्गेनिक की रिएक्शन बेस्ड और इनऑर्गेनिक की रिएक्शन बेस्ड, उन पर कैलकुलेशन है, और जो प्योर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो तो बहुत ही कम थे इस बार। तो आपको वैसी जो मोल कंसेप्ट वाली है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनसे पिछले चार साल से उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स तो पिछले चार साल से वैसी ही आ रही है बेसिक, कि फिजिक्स में आपको क्या है कि बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ में आपकी साल पिछले तीन चार साल से ईजी पेपर था, मैथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं करने आपको, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने नेगेटिव किया तो आप अगर चार नंबर सोच रहे थे वहाँ पे माइनस टू मिल गया तो छः नंबर का नुकसान है एक ही क्वेश्चन से। और तो आप एडवांस का मतलब ये नहीं है कि टफ ही क्वेश्चन करने हैं, जैसे अगर आपने कोई टफ बुक है आप उसके क्वेश्चन कर रहे हो और बहुत ही टफ है उसको करने में आपको टाइम लग रहा है, या फिर उसके क्वेश्चन आप इजीली भी कर ले हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस में करके आओगे एडवांस में आपका स्कोर अच्छा आएगा। एडवांस में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए, आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए अगर फिजिक्स है तो, आपको केमिस्ट्री है तो आपको एनसीईआरटी की रिएक्शन पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी, और फिजिकल के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, और मैथ में तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी मैथ में। और तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, और जय सी एल सी।